अब तक हम जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त करेंगे। मैंने कल भी वीडियो जारी किया है, मैंने एलजी साहब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैंने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर इसको पूरी तौर तक कात किया जाए। इनका जो लाइकिन है उनको अपनी लाशें वापस किया जाए। तो मुझे लग रहा है तानाशाही सरकार है, या तो उसको एक काम करना है, बुलडोजर लाना है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मारना चाहिए। कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? यहाँ तानाशाही जुल्म चल रहा है, जुल्म। मैं हाथ जोड़कर अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि इनके लोहे की इनके लाशें वापस कर दो और इनका इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी ना तो मैं ग्राउंड वर्कर हूँ, तो ना तो मैं पाकिस्तानी हूँ, ना तो मैं किसी मिलिटेंट के साथ हूँ। आज तक मेरे कोई खानदान के साथ इसके साथ वाबस्ता नहीं। मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई मैंने। कल भी मुझे भी बताएंगे ये तो पाकिस्तान के है, ये कल बताएंगे ये और ओजीडब्ल्यू वर्कर है, कल भी मुझे भी मारेंगे। कहां बैठे हमारी हमारे लीडर साहिबान? आज कल वोट मांगने के लिए आएंगे, कहां बैठी है? आज क्यों उन्होंने चुप करके? मैं दिन को भी आया मगर बदकिस्मती एसटू साहब ने मुझे यहां रोका है, मैं वापस निकल गया था। क्यों? क्या हमारे ये परिवार नहीं है? इनके बच्चे वो मेरे बच्चे नहीं है? मैं इंसाफ मांगता, मैं आईजी कश्मीर से और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो इनकी डिमांड है वो डिमांड पूरी किया जाए और बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। ये जो बेगुनाही का कत्लेआम ये बंद करो, बंद करो, तानाशाही की बंद करो, गुंडा राज बंद करो। यहाँ तो जो अभी चल रहा है ये गुंडा राज चल रहा है, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मांगते हैं। मैं हाथ जोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक तरह तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हालात यहाँ तो हालात ठीक करने में मैं युवाओं को अच्छी प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि सरकार ये हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, नहीं आएगा। वाहिद एक शख्स है, वो बबर शहर है। इंशाल्लाह मैं मरते दम तक इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को, जिस अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है। डरना उसी अल्लाह ताला को जिस अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मैंने वही बोल रहा है कि कोई नहीं आएगा, सबको जबान उन्होंने बंद रखा है। अगर ये मेरी बात मानेंगे, ये इनका नहीं होगा, ये तो बबर शेर को हो गया। मेरा बात मानेंगे मैं लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा दिया है, अगर जंग लड़ना है मैं अकेले लड़ूंगा ये जंग। मैं इस जंग में किसी को शामिल नहीं करूंगा। मैं दिन को भी आया मगर ये बदकिस्मती की वजह से एसटू साहब ने मुझे यहाँ से निकाला। अगर ये मेरा बात मानेंगे, चाहे यहाँ इसमें इनका परिवार है, मेरा बात मानेंगे, मैं अकेले बैठूंगा, रात को इधर धरने पे बैठूंगा। हमारा कोशिश रहेगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको जो हमारी लाश है वो वापस। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। कोई वार्ड जस्टिस, मासूमों की मैयतों को वापस करो, वापस करो, मासूमों की मैयतों को वापस करो, वापस करो, मासूमों की मैयतों को वापस करो, वापस करो, अल्ताफ साहब की लाश को वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, अल्ताफ साहब की लाश को वापस करो, वापस करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कल से ही सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात बोलते आए हैं, इसमें कोई सियासत वाली बात ही नहीं है। हम अक्सर जब ये बोला जाता है कि मिलिट्री मारा गया है, तो हम उस पर अगर कम बोलते हैं, हम कहते हैं कि सिक्योरिटी के मसले को लेके आवाज़ें उठाई जाती है, लेकिन यहाँ सिविलियन सीधा साधा मारा गया है। यहाँ पुलिस की क्लेम खुद भी है कि सिविलियन है और एक डाउटफुल आइडेंटिटी है उनकी, और कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो हमने कल सोशल मीडिया के थ्रू कल ही बताया है, और जब पुलिस खुद भी कन्फ्यूजन में है, तो जहाँ तक सिविलियंस का सवाल है, बॉडीज़ वापस की जानी चाहिए। छोटे बच्चों की अपील अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन सकती है, तो उससे ज़्यादा तंग दिली क्या हो सकती है, शर्म की बात क्या हो सकती है। इस
इन बच्चों की वीडियोस देख के, इन छोटी-छोटी बच्चियों की, इन छोटे बच्चों की वीडियोस देख के किसी का भी दिल तरस ये खा सकता है, किसी का भी दिल फटने को आ सकता है। हम अपील करते हैं सरकार से, हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एलजी साहब से बात की भी है, हम मुतबाना अपील करते हैं दोबारा, मेहरबानी करके आपने एश्योरेंस दी है डॉक्टर साहब को, हम एलजी साहब से अपील करते हैं हम सब यहाँ कि इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वापस करें। ये कोई फेवर नहीं होगा क्योंकि जो मर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ये एक ऐसा सकार है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगा, लेकिन एक आखिरी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि एक जो डिसेंट बरियल, जो राइट जो है बंदे का, अपनी फैमिली का, अपने लाउड वंस का, अपने बच्चों का, जो उनका हक बनता है, ये सरकार से एक अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस सिचुएशन को वर्स्ट मत होने दीजिए। और जो लोगों का अभी भी थोड़ा एहतमाद है कि शायद सरकार सुन सकती है, कोई सुन सकता है और डेड बॉडी वापस मिल सकती है, ये लीस्ट है जो एक आम आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है, और सरकार को इसमें दोहरा नहीं, उसमें सेकेंड थाट नहीं रखनी चाहिए। हम एक बार फिर अपील करते हैं, विदाउट पॉलिटिक्स, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये इंसानी मसला है, ये छोटे बच्चों का मसला है, ये बड़ों का तो छोड़ दीजिए दो मिनट के लिए, छोटे छोटे बच्चे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के हम अपील कर रहे हैं सरकार से, मेहरबानी करके इस मसले को इंसानी तरीके से सोचे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचे और डेड बॉडीज़ को वापस। सर सुबह 10:30 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्टेटमेंट आगे नहीं आ रहा है, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? बदकिस्मती है, मैं तो तब भी उम्मीद करता हूँ कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इनको डेड बॉडीज मिलनी चाहिए बिना सियासत के। ये सुबह से बैठे हैं और ये हमाकत की बात है, अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ की हद होती है। हम अपील, मैं अपील ही कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों को लेके हम सॉलिडेरिटी इन फैमिली से शो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को बार बार अपील करके बार हम भी बैठ सकते हैं। हम सरकार को कहते हैं कि आप प्लीज़ सिचुएशन को वर्स्ट होने दीजिए, ये एक अच्छी बात है अगर अभी भी लोग समझते हैं कि कोई सुन सकता है, मैंने कल भी यही अपील की थी, अभी भी अगर ये समझते हैं कि लोग कोई सरकार में कोई सुन सकता है, तो इस चीज़ का उनको आप फायदा उठाना चाहिए और डेड बॉडीज वापस देनी चाहिए, देयर इज द लीस्ट वी कैन डू। सर डॉक्टर साहब का बारे में सुना कि उन्होंने फ़ोन पे भी बात की थी गवर्नर साहब से इस बात को लेकर, तो उनको क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, क्या कहा गया उनको? जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, एलजी साहब ने एश्योर किया है कि उन्होंने भी कुछ इनपुट से उनके और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया हुआ है। हम उम्मीद तो वही रखते हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों की जो डिमांड से जो किसी से नहीं बर्दाश्त हो रही है वो पूरी होनी चाहिए, और हम इनके साथ हैं, हम सॉलिडेरिटी करते हैं इनके साथ, चाहे हम बहुत सी जमातें हैं यहाँ, बिल्कुल उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा, तो हमारी लीडरशिप की भी यही है कि जो उन्होंने बात भी की, हमें यहाँ भेजा भी है, हम अपील करते हैं सरकार से जल्द इनकी बॉडी। सर बीच में बात ये भी आ रही थी कि पीड़ित की जो महबूबा मुफ्ती है वो भी यहाँ पे आना चाहती थी, लेकिन बीच में उनको हाउस अरेस्ट किया गया, ये कहाँ तक सही है और क्या? मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वो मीटिंग भी करते होंगे, लेकिन इस वक्त कोई सियासत नहीं, ईमान खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नजर जाऊँगी, कोई सियासत नहीं, हम सिंपली सरकार को कहते हैं कि आप इंसानी तक बुनियादों पे इनको डेड बॉडीज वापस कर लीजिए, जहाँ तक सिविलियंस का सवाल है। शुक्रिया।